कांग्रेस जिस प्रकार से सत्ता पाने के लिए अधीर हुए जा रही है और उसी कड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस प्रकार से हमारे देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी जो एक नारी हैं, जिसका सम्मान हमारे भारतीय संस्कृति में नारी का सबसे ज़्यादा सम्मान है, उनका अपमान किया है और उनको राष्ट्रपत्नी बताने का दुस्साहस किया है, बहुत बड़ा, बहुत ही लज्जाजनक, बहुत ही शर्मनाक है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्वकर्ता खुद एक महिला है, माननीय सोनिया गांधी जी हैं, और उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है कि नारियों के प्रति किस प्रकार से इनके दिल में, दिमाग में अपमान भरा हुआ है, और वो भी एक जो ऐतिहासिक एक समय है जब एक आदिवासी महिला पिछड़े क्षेत्रों से आकर के और महामहिम राष्ट्रपति पद पे सुशोभित हो रही हैं, और उनका चरित्र अपने आप में एक संघर्षशील रहा है। ऐसे नारी का के प्रति अपमानजनक टिप्पणी, ये पूरे देश का अपमान है। ये सिर्फ न सिर्फ संवैधानिक पदों का अपमान किया है, इसके साथ इन्होंने देश का अपमान किया है। मैं मांग करता हूँ कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ देश की अवमानना की केस चलाया जाए। इन्होंने देश के खिलाफ इन्होंने बोलने का कार्य किया है। कांग्रेस वैसे भी सत्ता पाने के लिए इतना अधीर हो चुकी है, इतना बेचैन हो चुकी है, इतना मानसिक संतुलन खो चुकी है कि उल जुलूल बयान इनके नेता देते रहते हैं। कभी वीर सावरकर के खिलाफ राजीव जी राहुल गांधी बोलते हैं, कभी इनके कांग्रेस के नेता वीर सावरकर के खिलाफ बोलते हैं, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ और अपशब्द का बोल रहे हैं। और कांग्रेस नेता माननीय सोनिया जी इस पे मौन है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौन तोड़े और तत्काल अधीर रंजन चौधरी को पार्टी से निकाले, और साथ ही सरकार से मेरी मांग है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।